Hi friends, welcome back to my channel Mini Vlogs. और today I am going to review budget friendly conditioner. ऐसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं brand भी अच्छा आपको brand भी अच्छा दूँ और budget friendly conditioner आपके सामने लाऊँ ताकि आपको यूज़ करने में और अपने आपके पॉकेट में कोई इफेक्ट ना पड़े और आपके बाल भी अच्छे रहें. तो शुरू करते हैं. मैं दो कंडीशनर लेके आई हूँ. एक पैंटीन का कंडीशनर लाई हूँ, जैसे कि ब्रांड आप बहुत ही अच्छा है पैंटीन का ब्रांड, और दूसरा लाई हूँ पतंजलि का. पतंजलि ब्रांड भी अभी बहुत ही फेमस है और पैंटीन तो ऑल ओवर इंडिया पहले से ही फेमस है. अब मैं एक एक करके दोनों का रिव्यू दूंगी और कंपैरिजन भी बताऊंगी कि बेस्ट कौन है. मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं तो मैं दोनों का रिव्यू और कंपैरिजन बहुत ही अच्छे से बता दूंगी कि बेस्ट कौन सा है. ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम पतंजलि के केश कांति हेयर कंडीशनर की. तो पैकेजिंग के मामले में ठीक है, अच्छी क्यूट सी पैकेजिंग है और बहुत ही हैंडी है, ट्रैवल फ्रेंडली है. आप अपने बैग में इसको रख के कहीं भी ले जा सकते हो और टिक टैक ओपनिंग और टिक टैक लिक के साथ है, जैसे कि आप देख रहे हो. और ये नेट वेट है इसका 100 ग्राम. एक्सपायरी है 2 ईयर्स और बजट फ्रेंडली है यारो. बहुत ही कम प्राइस है, 60 रुपीज़ ओनली 60 रुपीज़. पतंजलि पे वैसे सेल बहुत ही कम होता है कि आपके सेल पे मिले, पर वैसे ये सेल पे ही लग गया है यार. और इससे ज़्यादा सेल पे क्या मिलेगा, 100 ग्राम मिल रहा है 60 रुपीज़ में. और मेन इसका इंग्रेडिएंट है प्रोटीन. और इसमें जो कंपनी क्लेम करती है वो ये बोलती है कि बाल आपके बहुत ही स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे. और इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि अपने शैम्पू से हेयर वॉश करने के बाद, जैसे हम नॉर्मल कंडीशनर यूज़ करते हैं, जस्ट 5 मिनट के लिए इसको आप हेयर्स पे लगाइए और वॉश कर लीजिए. आपको जल्दी भी है, मैंने ये यूज़ किया है, 5 मिनट के लिए आप नहीं भी रख सकते हो, तो जस्ट 1 मिनट 2 मिनट के बाद भी आप वॉश कर ले रहे हो तब भी आपको इस इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है और आपके हेयर्स बहुत ही स्मूथ रहते हैं. क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसलिए बता सकती हूँ कि अच्छा रहता है. और अब इसकी बात करते हैं, थिकनेस की बात करते हैं. तो थिकनेस इसकी अच्छी है, मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ आपको थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, आप देख लो. और थिकनेस इसकी अच्छी है और स्मेल भी अच्छी रहती है बालों में, बहुत देर तक बनी रहती है. वॉश करने के बाद भी इसकी स्मेल बनी रहती है. और हाँ, ये फोम नहीं क्रिएट करता गाइस. इसमें सब कंडीशनर की यही बात है कि वो फोम नहीं क्रिएट करता है और बस आपको अपने हेयर्स पे लगाना है, वॉश कर लेना है तो बहुत ही स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं. तो ये था पतंजलि का रिव्यू जो मैंने दिया. अब मैं इसको वाइप कर लेती हूँ. तो अब पतंजलि का रिव्यू दिया, अब मैं नेक्स्ट रिव्यू. और हाँ गाइस, इसका एक्सपायरी इसका 2 ईयर्स है और 2 ईयर्स आराम से 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है पैंटीन का. पैंटीन का जो हेयर कंडीशनर है वो और भी अच्छा है इन कंपैरिजन टू पतंजलि का, क्योंकि ये इसमें मेन एक चीज़ है कि ये हेयर फॉल कंट्रोल बता रहा है. हेयर फॉल कंट्रोल बता रहा है, आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो रुक जाएंगे. और ये रियल गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि रियल में ऐसा हुआ है, जो आपके बाल झड़ रहे हैं वो रुक जाएंगे. क्योंकि मेरी बेटी हुई थी तो उसके बाद से मेरे बालों का झड़ना ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मैं ढूंढती रह गई थी कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ जिससे मेरा हेयर फॉल ना हुई थी. तो मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा था कि मैंने पूरा मार्केट छान मारा था कि मैं कौन सा कंडीशनर शैम्पू यूज़ करूँ कि मेरा हेयर फॉल रुक जाए. तो उस टाइम मैंने ये कंडीशनर यूज़ करना स्टार्ट किया था और मैं आज तक यूज़ करी हूँ, 2 साल की हो गई है. बीच में मैंने पतंजलि भी इसे यूज़ किया था तो मुझे दोनों ही बहुत बेस्ट लगे थे और प्राइस के मामले में भी दोनों मुझे बहुत ही बजट फ्रेंडली लगे थे. अब इसका रिव्यू स्टार्ट करती हूँ. तो इसके रिव्यू पैकेजिंग पे, इसकी बहुत ही सुपर क्लासी पैकेजिंग है और ये भी टिक टैक के साथ है. और इसकी एक्सपायरी की बात करें तो ये 3 साल का एक्सपायरी दे रहा है और इसका MRP है 135 रुपीज़ और नेट वेट है 175 ml है. और कंपनी क्लेम्स करती है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए. और यूज़ करने का तरीका इसका सेम वैसे ही है, आपको शैम्पू के बाद इसको 5 मिनट्स के लिए लगाना है. पर सेम मैं वही बता रही हूँ, 5 मिनट्स नहीं भी लगा पाओ तब भी ये आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है. और ये विटामिन ई और प्रो बी विटामिन ई के साथ है. और सबसे बस इसका टेक्सचर की बात करते हैं और स्मेल की बात करते हैं.
स्मेल काफ़ी अच्छी है इसकी भी, मैं यूज़ करती हूँ तो बालों में बहुत देर तक बची रहती है। ये सेम पतंजलि जैसा ही है, बट फिर भी मैं बताऊँगी कि बेस्ट कौन सा है और मुझे ज़्यादा अच्छा कौन सा है। हाँ, इसकी थिकनेस की बात करें तो ये थिकनेस स्लोई नेचर की नहीं है, थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की है, आप ये देख रहे हो। स्मेल भी बहुत अच्छा है और इसको मैं हाथ में लगा लेती हूँ मैं, और क्या करूँ, ये बहुत ही स्मूथली ब्लैक आपके बालों पे लग भी जाता है और आप वॉश कर लो 5 मिनट के बाद तो आपके बाल बहुत ही अच्छे और स्मूथ हो जाएंगे। अभी तक खुशबू आ रही मेरे हाथ में, कोई ना वीडियो बनाने के बाद मैं हैंड वॉश कर लूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी थिकनेस के बारे में भी, ये कंडीशनर भी बहुत ही अच्छा है। ये दोनों ही कंडीशनर बजट फ्रेंडली हैं और स्पेशली मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते और ब्रांडेड चीज़ें भी चाहिए। तो ये दोनों ही ब्रांड बहुत अच्छे हैं और बजट फ्रेंडली हैं, आपके पॉकेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप आसानी से खरीद सकते हो। कंडीशनर ऐसी चीज़ है जो आपका बहुत दिन तक चलता है, मेरे ये 6-6 महीने चलते हैं, 6 महीने से भी कभी कभी ज़्यादा ही चल जाता है। और जबकि मैं जितनी बार हेयर वॉश करती हूँ, वीक में 2 बार तो मैं हेयर वॉश करती हूँ, गर्मियों के टाइम में 3 बार करती हूँ, तो मैं 3 बार इसका यूज़ करती ही करती हूँ। तो अब मैं दोनों के कंपैरिजन बताऊँ कि दोनों के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट, दोनों में से बेस्ट कौन है। तो दोनों में से बेस्ट जो है वो मुझे पैंटीन का लगा, क्योंकि इसमें हेयर फॉल कंट्रोल दिया है, बट पतंजलि में हेयर फॉल कंट्रोल नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ स्मूथनेस और सिल्की दिया है। इसमें हेयर फॉल कंट्रोल विद स्मूथनेस और सिल्कीनेस, तो इसलिए मैं इसको 1 नंबर पतंजलि से ज़्यादा देना चाहूँगी। पतंजलि का थोड़ा सा प्राइस कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, पर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसके कंपैरिजन में मैं इसको प्रेफर करना चाहूँगी। और जो लोग इसको नहीं खरीद सकते वो, उनके लिए पतंजलि बहुत ही बेस्ट है। ओके गाइस, तो मैंने दोनों का रिव्यू दे दिया, अब आप प्लीज़ मुझे दोनों यूज़ करिएगा या एक यूज़ करिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट कैसे लगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे नहीं है तो मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ऐसे बजट फ्रेंडली अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेके आती रहूँ तो नोटिफिकेशन बेल को टर्न कर दीजिएगा। ओके, तो अब मैं फिर से मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।